नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जरा पीएम मोदी जी की वो स्पीच सुनिए जब उन्होंने पूरे देश से 21 दिनों तक अपने अपने घरों में रहने को कहा था, लेकिन क्या उन्होंने इसमें अपनी पार्टी के नेताओं को घरों से बाहर निकलने की या घर के बाहर मजमा लगाने की छूट दी थी? आपका भी जवाब हमारी तरह ना ही होगा, लेकिन अब पीएम मोदी के इस नियम का मजाक बनाने वाले बीजेपी नेता पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण पुलिस कार्यवाही कर रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले बीजेपी विधायक पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद वर्धा से बीजेपी के विधायक दादा राव केचे सफाई दे रहे हैं। दादा राव ने कहा कि जन्मदिन पर उनके घर के बाहर अनाज के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। विधायक ने कहा कि मैंने किसी को नहीं बुलाया और हो सकता है कि ये मेरे खिलाफ विपक्ष का षड्यंत्र हो। उन्होंने कहा कि मैंने 4 दिन पहले जनता से अपील की थी कि मेरे जन्मदिन पर कोई मेरे घर ना आए, फिर भी कुछ प्रमुख कार्यकर्ता मेरे घर आए। मेरे विरोधियों ने गांव-गांव जाकर बात फैला दी कि मेरे घर में अनाज बंट रहा है। मैंने किसी को नहीं बुलाया था, वीडियो वायरल कर मेरी बदनामी की गई। फिलहाल विधायक भले ही लाख सफाई पेश करें, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया है, उससे साबित हो जाता है कि बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी के नियम को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धन्यवाद।